दोस्तों, अगर आपके पास आईबी की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है या फिर आप परचेस करने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आईबी फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो वीडियो है, जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे इस वॉशिंग मशीन को यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन में वॉशिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप कौन कौन से कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन के कपड़े या जीन्स के कपड़े या फिर पार्टी वेयर डेलिकेट कपड़े आप कैसे वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वॉशिंग मशीन में आपको कौन कौन से एरर कोड मिलते हैं, उनका रिजोल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट और जरूरी बातें भी बताएंगे, जो कि वॉशिंग मशीन यूज करते समय आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, जो कि आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। पावर सप्लाई मशीन चलाएं तब चालू रखना, एनी टाइम बंद करना, यूज में नहीं है तो पावर बंद। नल मशीन चलाएं जब चालू या 24 घंटे चालू, ये आप पे डिपेंड करता है, पर ठीक है। आउटलेट पाइप हमेशा नीचे छोड़ के रखें, प्रोग्राम के हिसाब से जब जब मशीन को पानी निकालना है निकाल लीजिए। कपड़े आपको इसके अंदर डालना है, क्वाइन पिन, सेफ्टी पिन, बालों की पिन, बच्चों के कपड़े चेक करके डालना, कोशिश करें कोई सामान ना जाए। जब तक ये डोर नहीं लगता तब तक ये मशीन चालू नहीं होती, जब ये डोर लग जाता है मशीन चालू हो जाएगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हैंड टू हैंड डोर ओपन हो जाता है, पर बीच में पावर गया तो डोर ओपन नहीं होता। उस कंडीशन में इमरजेंसी में आपको खोलना है तो आपको मैकेनिकल सिस्टम नीचे दिया है, उसके थ्रू आपको ओपन करना पड़ेगा। इसमें आपको लिक्विड फॉर्म यूज़ करना है, आईएपी खुद का इसका लिक्विड आता है, हर प्रोग्राम के हिसाब से अलग अलग लिक्विड है, वो आपको डालना है लिक्विड फॉर्म। इसमें एक्सप्रेस है 20 ml, मिक्स है 30-40 ml, ठीक है। डिटॉल, नील, कंफर्ट, यानी जो भी यूज खुशबू के लिए यूज करते हैं, वो बीच में डालना है। प्री वॉश प्लस वॉशिंग मशीन की 2.5 महीने में सर्विसिंग के लिए डिस्केलिंग पाउडर यूज होता है, वो पाउडर इस पर डलता है आपका। एरियल वगैरह यूज करना हो, एरियल पाउडर सर, ऑटोमेटिक मशीन पानी कम यूज करती है तो प्लीज लिक्विड फॉर्म, ठीक है ना। प्रेशराइज नहीं, आप आई भी यूज करें, पर आपको जोन से यूज करें इमरजेंसी के लिए। पर कोशिश करना जितना ज्यादा आप लिक्विड यूज करो आपके कपड़े की लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक। ये आप निकाल के भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं, पर जब निकालो तो इसको लगाने का ध्यान रखिएगा, गलती से यूं नहीं लगना चाहिए, यूं लगा तो ये टूटता है तो ही निकलता है। बहुत छोटी चीज है पर बड़ी डेंजरस चीज है। कपड़े डालें, लिक्विड डाला, ये ऑन ऑफ स्विच है आपका, ठीक है। हर प्रोग्राम में आपके टाइम, टेम्परेचर, आरपीएम प्रोग्राम के हिसाब से सब कुछ सेट है, ठीक है ना। हर प्रोग्राम में आपका स्पिन सेट है, एक स्टैंडर्ड लेवल पे कंपनी ने सेट करके रखा, फिर भी आपको कम ज्यादा करना हो, 1000 सेट करके रखा, 1 से आपको 0 गीले पानी नितरते हुए निकालना है, 0 पे निकालना है, 400 आरपीएम पे करना है, 600, 800, 1000 ये आप पे डिपेंड है। निकालना है कितने पे? 0 पे कपड़े वॉश हो गए, अब निकालना है तो ये ऑटोमेटिक होगा या सब कुछ खुद ही करेगी? मैं आपको कम क्लियर करूंगा। टेम्परेचर ऑलरेडी कंपनी ने 40 डिग्री सेट कर रखा, मैं इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, मिक्स सॉल्ट प्रोग्राम, ठीक है ना। 40 सेट करके रखा, 40 से ऊपर जाएगा नहीं, इस पे 40 से नीचे चले जाएगा। स्टीम करना है प्रोग्राम में, जो स्पेशल इन मॉडल है स्टीम मॉडल, आपको स्टीम करना है तो आपको एक बार प्रेस करिएगा तो स्टीम मोड पे मॉडल प्रोग्राम चले जाता है। जो 1 घंटे 44 मिनट का प्रोग्राम है वो 2 घंटे 20 मिनट चलेगा। तो हर प्रोग्राम पे, हर कपड़े पे आपको स्टीम की जरूरत है तो करिए, अन्यथा जरूरत आप पे डिपेंड है। तो मैं फिलहाल हटा देता हूँ, आप प्रोग्राम समझाता हूँ। ये स्टार्ट किया आपकी बटन, पहला प्रोग्राम आपका मिक्स का है, ये 1 घंटे 44 मिनट का प्रोग्राम है। 3 केजी कपड़े मतलब 10 से 12 या 13 कपड़े मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं कपड़े। पानी लेगी, वॉश करेगी, रिंस करेगी, स्पिन करेगी, ट्राई करेगी, पानी लेगी, ब्रश मारेगी, खंगालेगी, निचोड़ेगी और ट्राई करके दे देगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका कॉटन का है, 2 घंटे 1 मिनट, 7 केजी फुल लोड, मतलब आप 4 वेटशीट विथ पिलो डाल सकते हो, पानी, वॉश, स्पिन ड्रेस सब कुछ कर देगी। नेक्स्ट प्रोग्राम हाइजेनिक,
बैक्टीरिया वाले कपड़े या हॉस्पिटल में कोई एडमिट जिनके हम कपड़े अलग ही ला के धोते हैं, वो कपड़े आपको धोना है तो आप हाइजेनिक यूज कर सकते हैं। बेबी बॉर्न बेबी कार्टन इको प्लस 2 घंटे 9 मिनट 100 ग्राम कार्टन के नाजुक कपड़े। कैडल वॉश पार्टी वेयर नाजुक कपड़े लेडीज आप डाल सकते हो। 30 डिग्री टेम्परेचर आरपीएम यहाँ पे आप देखो कम कर दिया उन्होंने क्योंकि वो नाजुक कपड़े होते हैं और 2 kg मतलब 5-6 कपड़े। कैडल वॉश आपका क्लियर हो गया। रिंस स्पिन कपड़े आपने हाथ से धो लिए थे 7 kg कपड़े आप सूखे, जो केजी की बात होती गीले कपड़े की बात नहीं होती कभी भी, सूखे कपड़े की बात होती 7 kg। ओके तो 7 kg सूखे कपड़े आप इस पर ड्राई कर सकते हैं मतलब ठीक। रिंस और स्पिन मतलब जैसे हाथ से कपड़े के बाहर वॉश कर लिए थे यानी ब्रश मार दिए, ओनली खंगालना है और निचोड़ना है ड्राई करना है जो भी आप लैंग्वेज यूज करें आप कर सकते हैं इस प्रोग्राम पे। एडिटिव आप नील डाल सकते हो, डिटॉल डाल सकते हो, जो भी डालना आप इस प्रोग्राम पे भी डाल सकते हो। स्पिन कपड़े आपने हाथ से वॉश भी कर लिए थे रिंस भी कर लिए थे ओनली ड्राई कराना है या धो के बाद में गीले हो गए या पहन के आए आप ड्राई कराना चाहते हैं तो आप स्पिन ड्राई कर सकते हो, 15 मिनट में आपका पूरा काम हो जाएगा। बुलन के कपड़े 49 मिनट 2 kg कपड़े 200 से 300 स्वेटर ओनली। सिंगल बेड डबल बेड डोर मैट ऑटोमेटिक मशीन में कभी नहीं डलते, ऑटोमेटिक में 6 से 8 kg तक में कहीं नहीं डलते, ना कोई कंपनी लिख के देती है। मुल्की बैडिंग हल्के पुल्के पर्दे वगैरह आपके सिंथेटिक साड़ी शूट वगैरह आपके 12-14 कपड़े आपके 3 kg कपड़े 1 घंटे 31 मिनट ठीक है। एक्सप्रेस ओनली 4 से 5 कपड़े दोनों 2 kg कपड़े 15 मिनट 30 डिग्री टेम्परेचर पानी वॉश रिंस स्पिन ड्राई 5 काम होते हैं एक मशीन को काम करने, वो मशीन करे या इंसान करे 5 काम करता है। अब वो 5 काम को 15 मिनट से लेके 2 घंटे 9 मिनट में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है इन लोगों ने ठीक है। कपड़े निकालने के बाद 10-15 मिनट जींस जो है वो क्या मिक्स पे जाएंगे, जींस मिक्स पे जाएगा क्योंकि वो हैवी कॉटन रहे मतलब ये कॉटन है आप कॉटन पे यूज करना चाहे कॉटन पे क्योंकि जींस जितनी देर पानी में रहती है कलर फेड करती है। अच्छा तो इसमें मतलब जींस से भी है तो सारे कपड़े अपन मिक्स में लोड पे डालिए वो डेली यूज पे मतलब जींस से भी चले आएगा और मोटी चादर डाल सकते हैं इसमें मोटी चादर जींस के साथ। हाँ नहीं तो वो क्या उसके लिए क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर दोनों को एक साथ करना है तो या दोनों को कर ही नहीं सकते। दोनों को करोगे तो कलर का ध्यान रखिएगा जींस कलर ना छोड़े या बेडशीट कलर ना छोड़े मतलब जींस और मोटे पर्दे हो तो मिक्स सॉल्ट में डाल सकते। कपड़े निकालने के बाद 10-15 मिनट इसको ओपन रखने का एक नैपकिन से इसको पोछ देने का। डेली पोछने में ये रहेगा कि आपकी पिन बटन क्वाइन जो भी जाएंगे आपको यहाँ पे पर डे के मिल जाएंगे और प्लस ये रबड़ मैट आपकी गास्केट साफ रहेगी हमेशा ये साफ रहेगी तो अंदर बदबू आना ये चीज बच जाएगी। हफ्ते में एक बार आपको इसको खोल के साफ करना है। क्वाइन पिन सेफ्टी पिन गलती से यहां तक भी पहुंच गई है तो आपको यहाँ मिल जाएगी। इसी में जब आपको डोर ओपन करना रहता है इसको क्योंकि आपका मॉडल जेट SS है ठीक है ना तो आप इस डोर को थोड़ा सा यूं पीछे का छोड़ दीजिएगा इसके बाद इस डोर को ओपन कर लीजिएगा फिर लाइट नहीं रहेगी तो भी ओपन हो जाएगा। इस बीच में अगर मान के चले कपड़े अपन ने डाले और कपड़े डालने के बाद में लाइट चली गई तो आप वेट करिए जब तक लाइट नहीं आ रही। जब भी लाइट आएगी तो मशीन वहीं से चालू होगी जहां से पावर गया हुआ था और उसको मेन स्विच से बंद नहीं करना है। मेन स्विच से बंद कर सकते हो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है तो बंद कर दीजिएगा क्योंकि पीसीबी वगैरह इस पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ जब भी आप बटन ऊपर की पावर ऑन करेंगे तो मशीन वहीं से स्टार्ट होगी जहां से प्रोग्राम रुका था। जैसे 15 मिनट का प्रोग्राम है 7 मिनट पे रुका है तो 7 के बाद ही आगे रन होगी पर आपने गलती से यहाँ पे कुछ बंद चालू कर लिया तो पूरा प्रोग्राम रिसेट कर देगी और जो लिक्विड पाउडर डाला हुआ था वो टोटल बाहर कर देगी। इसमें ये टब क्लीन का फीचर क्या दे रखा है? टब क्लीन का ये है कि 2.5 महीने में ये प्रोग्राम को आपको लगाना है जो डिस्केलिंग आपको बोला था। एक डिस्केलिंग का पाउच काट के 2.5 से 3 महीने में डाल के थोड़ा सा ड्रम में थोड़ा सा इस रबड़ में और यहाँ पे डाल के प्रोग्राम लगा के खाली छोड़ देना। अंदर जो सेंसर के पास ड्रम में गंदगी जमेगी टोटल साफ हो जाएगी। ड्रम साफ होगा सेंसर साफ होंगे आपका हीटर साफ होगा तो अंदर क्लीन रहेंगे तो मशीन आपकी मेंटेन रहेगी।
वैसे ड्रम को 75% भरना चाहिए और 25% हमेशा खाली छोड़ना चाहिए। जब भी ड्रम आप काटन का प्रोग्राम यूज करिए, ड्रम यूज करिए, तो यहाँ तक आपको डालना रहता है। पर हर प्रोग्राम में केजी के हिसाब से चलते हो तो प्लीज केजी के हिसाब से ही चलें, क्वांटिटी के। बुक में लिखा हुआ है कि कौन से कपड़ा कितने केजी का है, आपको उस हिसाब से ही डालना है। ठीक है, बाकी इसका डोर सील का कुछ इश्यू आता है कि मतलब ये ज्यादातर ये जो रबड़ है आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जल्दी खराब हो जाती है सर? नहीं सर, जब भी आप डिस्केलिंग यूज नहीं कर रहे, टाइम पे मैंने आपसे बोला साफ करने का, नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल है, खराब तो होगी। फिर पानी पे डिपेंड करता है कि जहाँ नर्मदा और बोरिंग मिक्स होता तो स्पॉट बनने लगते हैं। तो उसका क्या सोल्यूशन है कि टब डिस्केलिंग करते रहिए आप? मतलब जैसे सिर्फ बोरिंग का पानी आ रहा है तो आपने जो 2.5 महीने बताया वो 30 दिन में कर दो। वैसे कंपनी 45 वॉश के बाद की बात करती है कि 45 वॉश के बाद आपको डिस्केलिंग करना होता है। अच्छा, मतलब टब क्लीन करते जाओ? करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली एरर कौन कौन से आते हैं, क्योंकि कस्टमर कभी कभी परेशान हो जाता है कि इसमें कुछ एरर आते हैं, तो ज्यादा एरर क्या आता है समझने के लिए कस्टमर को? टेप में यहाँ पे कचरा आ जाता है। अच्छा, तो बार्टर प्रेशर डाउन हो जाता है तो टेप लिखा हुआ आता है, टेप टैप TAP टैप। वोल्टेज कम ज्यादा आ रहा है तो वोल्टेज का एरर आएगा, 268 265, कोडिंग दी हुई है इनकी। प्रेशर सेंसर खराब हो गया तो PR5 करके लिखा आएगा। ऐसे हर चीज के एरर अलग अलग है। और अगर ये गेट ढंग से नहीं लगा हो तो डोर एरर आएगा। डोर एरर आएगा, यस। और पानी का प्रेशर अगर ढंग से नहीं मिला है, पानी टैप आएगा, उसमें टैप, पानी से रिलेटेड जो भी हो उसमें टैप ही आएगा। मैग्नेट वाला आपका खराब हो गया तो भी टैप आएगा। एक एनर्जी इसमें एक इक्वा फिल्टर लगा के रखा है इन्होंने, पिस्टल्स जो हाई हार्डनेस जमती है उसको सॉफ्ट, जिससे कपड़े सॉफ्ट होते हैं। अरे 3D वॉश का क्या फंक्शन दे रखा है यहाँ पे? 3D वॉट में ये कि कपड़े जब डंपिंग करते हैं तो 3D स्टाइल से गिरते हैं वो। अच्छा, ये खुशबू के लिए सेंटर वाला है और इधर ये जो आपका है इसमें डिटर्जेंट पाउडर डालना है। फिर वॉश वगैरह करना है तब ये डिस्क। अभी इस बीच में अपन इसको ओपन कर सकते हैं? गेट नहीं जाएगा, गेट नहीं खुलेगा। अब इस बीच में अगर अपने को ऐड करना है कपड़े, सर 1 मिनट के अंदर ऐड करना है तो आप कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्लोज करना है, डोर ओपन हो चुका है, आप डाल सकते हो। ये 1 मिनट के अंदर ही आप कपड़े ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 5 साइकिल है। पानी वॉश स्पिन ड्राई, पानी लिया तब तक दिक्कत नहीं, वॉश चालू हो गया तब तक डाल रहे हो तो ठीक है। वॉश निकलने के बाद डालेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता है, गंदे के गंदे ही आपके कपड़े मिल रहे हैं। अब जैसे मशीन चल रही, बीच में चलते में पावर चले गया, जब भी पावर आएगा तो मशीन वहीं से चालू होगी जहां से आपका पावर गया, वो ऑटोमेटिक। तो दोस्तों ये रहा हमारा IFBK फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो वीडियो, जहां पर आपने IFBK की इस वॉशिंग मशीन के बारे में डिटेल में एक एक इंफॉर्मेशन को जरूर समझी होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप अपने लिए IFBK की इस फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लेटेस्ट प्राइस एंड फीचर के लिए आप बेस्ट बाय लिंक को जरूर चेकआउट कीजिए। और दोस्तों अगर आपके पास कोई भी फ्रंट लोड ऑटोमेटिक मशीन है और आप यूज कर रहे हैं तो आपका जो भी फीडबैक है प्लीज कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों को अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए और अपने सवाल जरूर पूछिए, आपके सवालों की इंफॉर्मेशन आपको 24 आवर्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।